ये कुछ बोलना चाह रहे हैं गाइस? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं मैं अभी खेत पर हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ आज मशीन जो हमारी नई ली है रीपर, जो कि सोयाबीन काटने के लिए काम आती है। तो वो क्या है कि आज इसकी जिससे हम सोयाबीन की कटाई कर रहे हैं। तो कैसी कटाई कर रही हैं गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है और सीधा यहीं पे साइड में ये लाइनें बनाती जा रही है मशीन। तो आपको जब मशीन उधर से होके आएगी वहाँ से आप होकर फिर इधर आएगी तो आपको फिर मैं उसका व्यू बताऊँगा। तो आप खुद देखना मशीन कैसे चल रही है और फिर आप देख के बताना कि कैसे क्या होता है गाइस। आप उसको रेटिंग देना, अगर अच्छी लग रहा 5 स्टार देना, नहीं लग रहा 1 स्टार देना ही मत, कोई बात नहीं, ऐसे 1 स्टार से कुछ होने वाला नहीं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये देख सकते हैं गाइस, ये जो लाइनें हैं ये कुछ इस तरह से रख रखी है इसने। तो ये क्या है कि जब अपनी सोयाबीन जो है कि बिल्कुल पास पास में थी ना, तो ये लाइनें बिल्कुल क्लियर बनी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये अगर सोयाबीन ज़्यादा दूरी पे होगी ना तो ये मतलब बिखेर देगी उसको। तो इस मशीन को चलाने के लिए अपने कंडीशन खेत की होना चाहिए, खेत सूखा होना चाहिए और सोयाबीन बिल्कुल पास पास में होना चाहिए, तब जाके सोयाबीन ये ऐसी लाइनें बनाती जाएगी। और ये लाइनें बिल्कुल इस प्रकार से बनाई है कि जल्दी से धूप लगे इनको और जल्द से जल्द ये सूख जाए। तो इस हिसाब से इस मशीन ने यहाँ पे काटी है सोयाबीन आज। तो अभी सोयाबीन काटने के लिए मशीन वो उस तरफ गई है, वहाँ पे वो देख सकते हैं। तो वहाँ से होके फिर आएगी और फिर आपको यहाँ पे आके मशीन आएगी, तो फिर उसका व्यू बताएंगे गाइस। तो अभी कुछ सुबह से आए हुए हैं यहीं पे लोग हमारे परिवार के, तो वो भी मशीन चला रहे हैं, कोई थोड़ी चला रहा है कोई थोड़ी चला रहा है और यहाँ पे काट रहे हैं गाइस सोयाबीन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना खेत इसने काटा है, तो इसने 1 लीटर तेल भी नहीं खाया होगा गाइस, आधा लीटर तेल में इतना काट दिया इसने। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब क्या है कि इसमें एक सिस्टम किया था हमने इन लाइनों को हटाने के लिए। पहले क्या है कि उस वाले खेत पे आपको पहले ब्लॉग बताया था मैंने, तो उसमें क्या है कि ये बिखेर रही थी गाइस, तो उसके डर से यहाँ पे जो चादर का सिस्टम किया था साइड में, तो उससे ये जो गोटे हैं ये बनाए हैं गाइस। उसके ऊपर सोयाबीन आके जम जाती थी और फिर लकड़ी से उसको हटा देते थे, तो ऐसे गोटे बन गए हैं सोयाबीन के। तो ये भी काफ़ी अच्छे है क्योंकि सूखे में ऐसा चलता है, और गीली सोयाबीन हो तो उसको सुखाने के लिए ये जो लाइनें हैं ये कर रखी हैं गाइस, ये देख सकते हैं आप। तो ये की थी, तो अभी मशीन आ रही है गाइस, तो आपको बताएंगे मशीन कैसे चल रही है गाइस, है ना गाइस। तो चलते हैं मशीन के वहीं पे और फिर आपको बता दें मशीन कैसे चल रही है, किस प्रकार से कटाई कर रही हैं सोयाबीन की। तो मशीन आ रही है गाइस, तो आपको बता दें, है ना। देख सकते हैं आप मशीन आ चुकी है और ये देख सकते हैं बिल्कुल सफाई से कटिंग कर रही है सोयाबीन की। ये देख सकते हैं साइड में डाल दी जा रही है सोयाबीन को, पीछे बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है गाइस, देख सकते हैं आप बिल्कुल पीछे एक भी सोयाबीन का डंठल नहीं बचा है, बिल्कुल क्लियर तरीके से काट रही है। ये देख सकते हैं आप, आगे से दिखाता हूँ गाइस। Thank you.
सकते हैं अभी जिस लाइन में आई थी मशीन, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे से बताता हूँ गाइस, कुछ भी नहीं बचा है। सोयाबीन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, तो कुछ भी नहीं बचा है गाइस। बिल्कुल सपाट करके लाइनें बना दी है मशीन ने। अब ये जो सोयाबीन है, दो दिन की धूप लगेगी और सूख जाएगी, उसके बाद हम मशीन में डाल के निकाल लेंगे। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं गाइस? तो ये देख सकते हैं आप, अभी वो जा रही है मशीन। तो इसमें क्या है कि गोलाई में चलेगी गाइस, पहले इस तरफ से आएगी, फिर यहाँ से होके ऐसे जाएगी, फिर वहाँ से होके ऐसे जाएगी, फिर वहाँ से भी ऐसे होके आएगी, मतलब गोलाई में काटेगी, क्योंकि एक तरफ ही पड़ती है सोयाबीन, तो इसलिए वो गोलाई में काट रही है गाइस। तो अभी के लिए आपको मैंने मशीन बताई, एक बार और दिखा दूँगा गाइस, आपको अगर विश्वास ना हो तो आप फिर से देख लीजिए गाइस। ये जो अभी मशीन इस वाली लाइन में आई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोयाबीन के कुछ भी डंठल नहीं बचे हुए हैं, सिर्फ कटे हुए हैं। वो भी कटे हुए कितने हैं ये देख सकते हैं गाइस, तीन उंगली इतना काटा है इसने, इतना नीचे से काट रही है गाइस। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है कि जो हमारे पशु है, गाय हुई भैंस हुई, तो उनके लिए जो इसका जो क्या बोलते हैं कि मशीन से निकला हुआ जो होता है शुक्ला, तो वो बहुत ज़्यादा निकलेगा गाइस। क्योंकि ये कि हम जो गांव में से लोगों को बुलाते हैं, ठेका देते हैं और उनसे कटवाते हैं, वो पैसे भी बहुत अधिक लेते हैं गाइस। तो उनके जो ठेके के पैसे थे 2-3 साल के, तो हमने एक साथ इस मशीन में डाल दिए। मतलब इसको लाने में तो 1,45,000 में हमारी मशीन पड़ी। तो इसका ये फ़ायदा हुआ गाइस कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से सोयाबीन को काटा जा रहा है और अच्छे से लाइनें बनाई जा रही हैं। इन लाइनों को कुछ भी नहीं करना, यहाँ से ऐसे लेके ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अपने हिसाब से तोकने के लिए, तो वो वैसे गोटे बना लेंगे और फिर जो पाल आएगा गाइस, तो उस पर डाल के इसको इकट्ठी कर लेंगे और फिर मशीन में निकाल लेंगे। बस सिंपल सा काम है गाइस। तो अभी फिर से मशीन आने के लिए तैयार हैं, तो अभी बताएंगे गाइस आगे चल के। तो चल रहे हैं हम मशीन के पास ही, मशीन भी आ रही है आगे से। तो मशीन को चलाने की भी टेक्निक होती है गाइस। तो हमारे गाँव के जो लोग होते हैं, तो वो बहुत ही थोड़े से ज़्यादा दिमाग होता है उनमें, तो वो अच्छे से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मशीन चल रही है और ये चला रहे हैं, कुछ इस तरीके से काट रही है गाइस, देख सकते हैं आप। फिर से पीछे देख लीजिए गाइस, कुछ भी नहीं बचा है और ये जा रही है मशीन। अब फिर आपने देख लिया होगा, फिर ये मशीन वहीं से आगे जाएगी और फिर आगे से होकर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर से होकर फिर इधर आएगी, तो ऐसे काट रही है गाइस। तो आप फिर से देख लीजिए गाइस, ये जो इसने लाइनें बनाई हैं उनको, ठीक है। तो मतलब मशीन लाइनों का ये फ़ायदा है कि जल्दी जल्दी काट रही है, कुछ टाइम लग रहा है नहीं गाइस। आज कम से कम इसने काटा होगा ये 1.5 घंटे में ये खेत पूरा काट दिया, काट देगी। मतलब 1 घंटा हो गया इसको चलते चलते यहाँ पे, और आधे घंटे का ही है ये, आधे घंटे की आप मानो 10-15 मिनट में कट जाएगी गाइस। तो ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं। तो आप भी अनुमान लगा सकते हो कि कितनी जल्दी मशीन काट रही है और काम कर रही है अच्छे से, है ना गाइस। तो आपको मशीन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसको हमने कैसे ली वो भी हम आपको बताएंगे, किस प्रकार से ऑर्डर की जाती है, कहाँ से ली, तो आप अगर पूछेंगे तो हम बताएंगे ज़रूर, है ना गाइस। तो अभी के लिए हम यहाँ से बैग लेते हैं, क्योंकि मशीन तो वैसे ही चलती रहेगी और हम आपको दिखाते रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी गाइस। तो
तो फिर से मशीन वो जा रही है और इधर से होकर फिर इधर आएगी और यहाँ देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से होके यहाँ पे आएगी। ठीक है गाइस, तो अब आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद गाइस। आपने अभी देखी मशीन जो कि मैंने आपको बताया कैसे चल रही है, कैसे सोयाबीन की कटाई करके उसकी अच्छी तरीके से लाइनें बना रही हैं और कितनी अच्छे से सफाई के साथ काट रही है सोयाबीन को, तो आपने पूरा देख लिया होगा वीडियो में। और सभी पीछे खड़े हुए हैं मशीन के इंतज़ार में कि फिर से आएगी मशीन, फिर से देखेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे क्योंकि मैंने तो बना लिया है वीडियो। अब जो जो देखने आएंगे गाइस नए नए, तो वो भी इसका वीडियो बनाएंगे, तो उनका भी वीडियो देखना और मेरा भी देखना, मेरे तो आपको देखना पड़ेगा ये, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। सोयाबीन ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए, अगर सूखी हुई तो क्या है कि उसमें कुछ तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन अगर सोयाबीन गीली हुई ना तो वो क्या है कि ये जो लाइनें हैं ना ये बिखरती नहीं है। सोयाबीन अगर सूखी हुई तो वो क्या है कि उसकी जो पंखुड़ियाँ लग रही है मशीन में तो वो क्या स्पीड से फेंकेगी सोयाबीन को और बिखर जाएगी, तो उससे कोई मतलब नहीं निकला गाइस। तो सोयाबीन थोड़ी सी गीली होना चाहिए, मतलब कटने लायक, ज़्यादा सूखी भी नहीं और ज़्यादा गीली भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा सूख गई तो उन पंखुड़ियों की वजह से बिखरेगी तो वो बात अलग है, वो जो सोयाबीन की जो फलियाँ हैं गाइस वो भी टूट जाएगी और उसका कोई मतलब नहीं निकला गाइस। तो आपको एक बात बताना थोड़ा सा ज़रूरी था तो मैंने बताया। और खेत गीला नहीं होना चाहिए, सबसे मेन बात तो ये है, खेत अगर गीला होगा तो उसके जो आगे कटर लग रहे हैं गाइस काटने के लिए सोयाबीन, तो वो क्या है कि ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, वो ज़मीन के अंदर कटर से सोयाबीन काटने में मशीन को थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी गाइस, तो वो काट नहीं पाएगी और फिर आप समझोगे कि मशीन अच्छी नहीं है, मशीन में कोई ख़राबी है, तो ऐसा लगेगा गाइस आपको, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम बिल्कुल आपको कंडीशन बता रहे हैं कि खेत सूखा होना चाहिए, मशीन के टायर ज़मीन के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब गड़ने नहीं चाहिए, है ना। तो ये कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई, उसको अप्लाई करें और फिर ये मशीन जो है डिजिटल ड्रिपर इसका यूज़ करें और अपना समय बचाएं, अच्छे से सोयाबीन की कटाई करें और कम पैसों में कम लागत में बिल्कुल अच्छे से कटाई करवाएं। तो आज का मकसद मेरा यही था कि आपको बताया जाए कि डिजिटल ड्रिपर कैसे चलती हैं, कितने अच्छे से काम करती हैं, तो आपको मैंने बताया पूरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगले जो मेरे वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अभी के लिए यहाँ से हम वापस घर जाएंगे और घर जाके भी रेस्ट करेंगे, तो अभी जो मशीन चल रही है पूरी कटाई कर लेगी, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए और घर जाके बिल्कुल रेस्ट करेंगे गाइस। तो अभी के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तो अभी के लिए धन्यवाद।